स्वाध्याय। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से पानी की किल्लत से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में जल संकट को देखते हुए बीजेपी आज प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पानी की कमी के खिलाफ आज प्रदर्शन होगा। हल्ला बोल भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। हरिनगर, शैलता विहार, ये तमाम ऐसे इलाके होंगे जहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी की कमी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। ये आता है तो पानी पूरा ही नहीं होता, लोग भाग इतनी जनता बढ़ गई। पढ़ने चाहिए, प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा डेली होता है। ना पानी नहीं, बैठे 6 बजे से सुबह से बैठे, पानी आ ही नहीं रहा मेरे पास। पानी के लिए त्राहिमाम, जून के महीने में जब सूरज आग उगल रहा है, शरीर तप रहा है और हलक सूख रहा है, तब राजधानी में पानी के लिए मारकाट मची है। तस्वीरें खुद देख लीजिए, डब्बों का ढेर लगा है लेकिन टैंकर का आता पता नहीं है। ये हाल हर दिन का है। आम आदमी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सिर्फ हमने पानी की ही सुविधा सब दिन मांगा है, सिर्फ पानी, पानी बत्ते कि हमें पानी दो। एक हमारे वो रेलवे लाइन में जो जाते हैं तो उसके लिए लकड़ी का पुल बना दो जिसमें हमारा बच्चा कटे नहीं, औरत मरे नहीं, अच्छी जिंदगी जिए। उन्होंने कुछ नहीं हमारे लिए किया, हमने सिर्फ सरकार से यही उम्मीद रखी कि हमें पानी की सुविधा। ये हाल देश की राजधानी का है जो कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश में है, लेकिन पानी की किल्लत ने जीना मुहाल कर दिया है। इसके बाद आम लोगों का गुस्सा उबल रहा है, लिहाजा भीड़ का गुस्सा आप विधायक पर फूट पड़ा। कहने को तो दिल्ली में बिजली बिल हाफ और पानी माफ है, लेकिन तस्वीरें केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोल रही है। 6 से 7 घंटे के लंबे इंतजार के बाद पानी का टैंकर पहुंचा तो मारा मारी शुरू हो गई। चणकीपुरी इलाके के संजय कैंप में पानी को लेकर जबरदस्त हंगामा और अफरा तफरी देखने को मिली। टैंकर से पानी भरने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ पानी के टैंकर पर टूट पड़ी। जो कमजोर है वो पीछे, जो मजबूत है वो आगे पानी लेकर अपने घरों में पहुंच जाता है। शिकायत इनकी कई लोगों से हो चुकी है, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको शिकायत है कर दी गई है, लिखित में दिया गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया और ये समस्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या भी यहाँ की लगातार बढ़ रही है। बैठ जाते हैं, इतने परेशान है, इंसान कितना बैठेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पिछले 30 साल से रह रहे हैं और हर सरकार से सिर्फ पानी की सुविधा ही मांगते हैं, लेकिन वादों के सिवाय कुछ नहीं मिलता। जनता पानी के लिए हाहाकार कर रही है तो इस पर सियासत कैसे ना हो। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पानी की किल्लत पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर दिया। केजरीवाल कहते हैं कि वो घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र उन्हें रोक रही है। क्या वो जवाब देंगे कि पानी पहुंचाने के लिए उन्हें कौन रोक रहा है? एक बहुत ही घटिया, गंदा, झूठा प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार दिल्ली सरकार के खिलाफ चला रही है, मिलिशियस कैंपेन है। और मैं संबित पात्रा जी को और बीजेपी को कहना चाहूँगा, आरोप लगाने से पहले थोड़े फैक्ट्स चेक कर लीजिए, अपना होमवर्क कर लीजिए। पानी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोग उसी पानी के लिए जिंदगी खतरे में डालने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसी मजबूरी जहां मौत का डर भी खत्म हो जाए, तो इससे ज्यादा डराने वाली चीज और क्या हो सकती है। अभिषेक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं, जमीनी हालात क्या है, ग्राउंड जीरो से पहले आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनका पर्ची आपसे कराती हूँ। आशीष सूदी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव झा दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ डिबेट का हिस्सा है, विक्रम विधुरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिंटू शेख जी अध्यक्ष हैं शिवसेना व्यापारी मंडल के। चूंकि मुंबई के हालात क्या है वो भी आज पूरा देश देख रहा है, मुंबई डूब रही है तो दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, इसके दंगल में आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है वो दिखाना बहुत जरूरी है।
प्रीति चाणक्यपुरी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, हर्षा चिल्ला गांव से मेरे साथ जुड़ रही हैं, अभिषेक मनोहर रमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीति, मैं आपके पास आ रही हूँ, चाणक्यपुरी की क्या कुछ तस्वीर है, जरा दिखाइए वहां से। जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपने सही कहा, चाणक्यपुरी की जो तस्वीर है ये परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। इसीलिए क्योंकि देखिए, जब दिल्ली की बात होती है तो देश की राजधानी की बात होती है, और जब राजधानी का जिक्र होता है तो लगता है लोगों को क्या सुविधाएं यहाँ पर होती होंगी। लेकिन अगर कोई ये तस्वीरें देखेगा तो उनको यकीन नहीं होगा कि तस्वीरें ऐसी हैं। ये पानी के डिब्बे मेरे पीछे जो आप देख रही हैं, ये खाली हैं। लोगों को इंतजार है कि टैंकर यहाँ पर आएगा तो इनको भरा जाएगा। और देखिए, सुबह एक टैंकर आया था, लोगों ने पानी भरा है, लेकिन जितना पानी आता है वो लोगों के लिए काफी नहीं होता है। 6,000 के करीब यहाँ की आबादी है, तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत कितनी है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, 44 के पार लगातार पारा जा रहा है, और ऐसे में जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि कितनी दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन अब टैंकर चला गया तो लोग काम पर जुट गए। कुछ लोग उनसे बात करेंगे, कितनी दिक्कत होती है आपको? मैम बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। हम लोग यहाँ 6 बजे से यहाँ बैठते हैं, और टैंकर का कोई टाइम नहीं होता, वो कभी कभी 7 बजे आता है, कभी 8 बजे आता है, तो कभी 10 बजे भी आ जाता है। और इसलिए सब लोग बेचारे रात को सो भी नहीं पाते हैं, पानी के चक्कर में बैठे रहते हैं यहीं पे, क्या आएगा तो पानी भरेंगे। और इतनी मुश्किल से जिनके घर में लोग बाग है नहीं, जिनके घर में मान लो 2 ही लोग हैं, ड्यूटी पे भी जाना है उनको, तो उनको यही टेंशन होती है कि पानी कौन भरेगा और ड्यूटी पे कौन जाएगा। पाइप अगर किसी का लग गया तो उसको पानी मिल जाएगा, और जिसका नहीं लगा। देखिए, समस्या यह है प्रीति मैडम, आपके पास हर्षा चिल्ला गांव से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है, चाणक्यपुरी की तस्वीर, और भी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हर्षा, जरा चिल्ला गांव की क्या तकलीफ, लोगों का क्या कहना है, आखिर ऐसी कोरोना महामारी के बीच पानी की किल्लत कितनी बड़ी समस्या है? देखिए लक्ष्मी, मैं आपको बताऊं, चिल्ला गांव में सुबह से एक भी टैंकर नहीं पहुंचा है। 3 चौराहे है जहां पे टैंकर पहुंचते, लेकिन सुबह से नहीं पहुंचा। लोग इतने परेशान थे कि सुबह 6 बजे आए तो थे, लेकिन वापस लौट के क्योंकि पानी ही नहीं आया, टैंकर ही नहीं आया। कई लोग फोन तो करते हैं लेकिन टैंकर के डिले होता है, या फिर कभी टैंकर पहुंचते ही नहीं है। यहाँ के लोगों से सीधे जानते हैं उनका क्या कहना है, कितनी समस्या है पानी की आप लोग? मैडम, पानी की बहुत समस्या है चिल्ला गांव में, 500 साल पुराना गांव है, आज तक पानी की लाइन नहीं पहुंची पूरे गांव में। लोग टैंकर पे पानी भरते, पूरा पानी नहीं मिल पाता लोगों को, आधे लोग अपनी नौकरी छोड़ के, रोजगार छोड़ के लाइन में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पानी मुहैया नहीं हो पाता। कितना परेशान है सर? पानी दिल्ली सरकार का कोई पानी नहीं आ रहा है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, पानी का सब परेशानी आती है। 2-3 दिन घूम के गया, मैं पानी मिल ही नहीं रहे। कई जगह देखा मारपीट हो जाती है पानी के लिए, लेकिन पानी नहीं मिलता। जी हाँ, पानी मिलता है। पानी दो, पानी दो, दिल्ली सरकार पानी दो, पानी दो, पानी दो। सर कितना, कितने परेशान? लेकिन ऐसा है, रोज गाड़ी आ रहा है, छोटा वाला गाड़ी आ रहा है, लेकिन आधा लोगों को नहीं पानी मिलता। वो भी रात 3 बजे जो लाइन पे लगता है, वो तो थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, बाकी 3 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। विधायक जी लगातार संजीव झा जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है इन तस्वीरों को देखेंगे, जवाब मैं उनसे लूंगी। लेकिन उससे पहले अभिषेक इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा जल्दी से तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या समस्या है, लोगों का क्या कहना है? ये पानी की समस्या पहली दफा नहीं है, हर बार ये तस्वीर सामने आती है, लेकिन समस्या के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ लिया जाता है, राज्य केंद्र के लिए, केंद्र राज्य के लिए। किंतु दिल्ली की सरकार ने उसे अपने प्रचार में उस पैसे का, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर 2 टैंकर आया था, एक इस किनारे और एक आखिरी किनारे पर 2 टैंकर यहाँ पर मौजूद था सुबह। लेकिन उन 2 टैंकरों से यहाँ के लोगों की पानी की समस्या खत्म नहीं होती। आप देखिए, अभी भी घरों के बाहर लोगों के जो डब्बे हैं पानी के, वो रखे हुए हैं। ये मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, ये देखिए, ये खाली डब्बे अभी भी रखे हुए हैं, और ये कब भरेंगे? शाम को अब टैंकर आएगा, अगर भर पाएगा तो ठीक है, नहीं भर पाएगा तो भी ठीक है, क्योंकि टैंकर पर चढ़कर जिसने पाइप लगा दिया और जो मजबूती से पानी ले लिया, वही पानी भर पाया। क्या भाई साहब, क्या बोलना, कैसे पानी भर लेते हो? हमें तो पानी के पास जाने की तमन्ना ही ना रही। आप बताओ भाई साहब। ऐसा है, बड़ी मेहनत से पानी भरते हैं, 8-10 आदमी हैं, ऊपर चढ़ते हैं, बड़ी मुशक्कत के साथ पानी भरा है, ठीक, और वो भी खाली हो गया, कुछ बर्तन भरे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं कि आज यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी थी, मतलब SSB के 10-15 जवान भी यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ थे, ताकि अगर यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको मैनेज किया जा सके। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा पुलिस से। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस घूमती भी रहती है और SSB के जवान भी थे, लोग जिस तरीके से पानी लड़ाई झगड़ा करके। प्रशांत इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकुश भी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, पहले आपके पास आ रही हूँ, जरा दिखाइए कि क्या कुछ हालात हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के इस वक्त। प्रशांत लौटूंगी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अंकुश भी हमारे साथ जुड़ रहा है, अंकुश। प्रशांत, आवाज मिल रही है आपको?
आप मुझे आ रही है? बोलिए बोलिए, जरा तस्वीरों को दिखाइए और क्या कुछ हालात है इस वक्त मुंबई की, जरा बताइए प्रशांत। देखिए मुंबई में आज जो रेड अलर्ट घोषित किया गया था, मगर जो रेड अलर्ट नहीं है, आज ऑरेंज अलर्ट दिया गया, मगर आज सुबह से जो बारिश है वो रुक गई है। मैं अभी मुंबई के पवई इलाके में खड़ा हूँ और पवई इलाके का जो लेक है वो अभी ओवरफ्लो हुआ है और उसकी चलते हुए पूरे जो यहाँ पे पर्यटक जो है जो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुंबई में आज मूसलाधार बारिश होने वाली थी ऐसे कहा गया था, दो दिन पहले ही मुंबई के बारिश ने पूरे मुंबई का जनजीवन जो है वो ठप कर दिया था। जो बारिश जो है वो आने की वजह से जल जमाव हो गया और जल जमाव की वजह से पूरे बारिश में मुंबईकरों को बहुत प्रॉब्लम से आने लगी थी। आप आज सुबह से अगर बात करें तो मुंबई में जो बारिश है वो आ रही है जा रही है, इसकी वजह से जो है मुंबई में कहीं पे भी जल जमाव की स्थिति नहीं है। जो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये मेरे पीछे जो आज संडे होके भी और कोरोना का कहर होते भी आज जो ट्रैफिक है वो बड़ी मात्रा में जोर से जो है लोग बाहर निकल रहे हैं घर से, मगर अगर देखा जाए तो आज संडे और सैटरडे संडे को महाराष्ट्र में जो है वो लॉकडाउन घोषित है, मगर इसको कोई देख नहीं रहा है। आज मुंबई में बारिश होने की संभावना थी, रेड अलर्ट था, मगर आज उसे ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। आपके पास लौटूंगी प्रशांत, में लगातार आपसे अपडेट लूंगी, हमारे साथ बने रहिए। तमाम जो मेरे सहयोगी हैं दिल्ली के ग्राउंड जीरो से भी हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले संजीव झा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष जल बोर्ड के आप सदस्य हैं और राघव चड्ढा को एक बड़ी जिम्मेदारी उपाध्यक्ष के पद पर दी गई है। हर बार गर्मी जब आती है तो दिल्ली दो चार होती है इस समस्या से, स्थायी समाधान की ओर आखिर क्यों कोई कदम नहीं उठाती है सरकार? देखिए मैं अपनी बात आप जवाब देने से पहले कुछ मैं फैक्ट रखना चाहता हूँ कि जब हम लोग सरकार में आए थे तो पूरे दिल्ली में केवल 55% ऐसी जगह थी जहाँ पे पाइपलाइन की व्यवस्था थी। आज पूरे दिल्ली में 95% जगहों पे दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी पाइपलाइन को बिछाया है, दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन को बिछवाया है। लगभग 940 मीट्रिक टन हमारे 940 MGD पानी हमें दिल्ली को मिलती है, तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अभी भी 940 MGD पानी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आपने कुछ सवाल उठाया और मैं आपका विजुअल भी देखा, समित पाटाजी का ट्वीट भी दिख रहा था, उन्होंने कहा कि चनक्यापुरी में पानी की किसी एक संजय कॉलोनी कहीं के बताया कि वहाँ पानी की बड़ी कमी है। अब देखिए फिर समित पात्रा जी को तो इसको NDMC देखती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे मालूम था संजीव झा जी कि आप इस पॉइंट पर जरूर आएंगे एनडीएमसी वाले पर। सुनिए जरा, एक सेकंड सर, मैं बात को पूरा करने का मौका दूंगी, लेकिन क्या चाणक्यपुरी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है? अगर वो एनडीएमसी के तहत आती है तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है? क्या चाणक्यपुरी दिल्ली से अलग कोई जगह है, दिल्ली में नहीं आता है? देखिए सवाल ये है कि किसकी जिम्मेदारी क्या है और किसको क्या देखना है। अब टैंकर की बात है, टैंकर एनडीएमसी देखती है तो एनडीएमसी को इंश्योर करना पड़ेगा ना कि हम जो टैंकर भेज रहे हैं वो टैंकर रेगुलर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या पाइपलाइन बिछना, ये डिसीजन एनडीएमसी लेगी ना। मैं बिल्कुल मानता हूँ दिल्ली, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो जरूरत है पानी की एनडीएमसी वो देंगे, पर उसका ऑपरेशनल जिम्मेदारी एनडीएमसी को लेनी पड़ेगी ना, जिसकी जो जिम्मेदारी है अगर वो तय नहीं होगा तो फिर आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तभी हमने कहा, देखिए मैं ये कतई नहीं कहता कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है या पानी कहीं कमी नहीं है, गर्मी बढ़ती है, पानी का अचानक चाणक्यपुरी को मैं अलग कर दूं, करोलबाग, जंगपुरा, लाजपत नगर, सरिता विहार, वजीराबाद, राजेंद्र नगर, सर और भी फेरिस्ट लंबी है। चलिए आपके कहने पर चाणक्यपुरी का जवाब मैं ले लूंगी विक्रम विदुरी जी से या फिर मैं आशीष जी से भी लूंगी, लेकिन सवाल यह कि बाकी के इलाकों का क्या करेंगे? वजीराबाद की तस्वीर आपने देखी आज क्या कह रही है? मैं आपके विजुअल भी देखा, मैंने आपका सवाल भी सुना, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए 95% जगहों पे हम पानी के पाइपलाइन के जरिए सप्लाई देते हैं, कुछ जगह टैंकर भेजा जाता है, कई बार टैंकर की कुछ कमियों की शिकायतें आती हैं। मुझे टैंकर की शिकायतें, ठीक है सर मैं आ रही हूँ। आशीष जी, एनडीएमसी की जिम्मेदारी है चाणक्यपुरी की, राघव चड्ढा भी इस बात को कह चुके हैं, ट्वीट देखा जब समित पात्रा का, सवाल ये कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे नहीं निभा रहे? मैं इस वाक्य को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और उन लोगों का मानता हूँ जिन्हें दिल्ली के बारे में ABCD भी नहीं पता। संजीव झा जी को अभी इसी वक्त दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए या विधायक पद से इस्तीफा देके अपने घर बैठना चाहिए। एनडीएमसी की मीटिंग की चेयरमैन के नाते अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली
विधानसभा के विधायक के नाते उस मीटिंग को चेयर करते हैं और चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है आज? भैया सुनो, आपके बीच में बोला नहीं था, मुझे पता था, मुझे पता था। फैक्ट जानिए, अभी दिल्ली की जनता बार बार नकार रही है। देखिए ये तरीका की जनता आपकी नकारात्मक अरविंद केजरीवाल एमबीएमसी को चेयरमैन कौन करता है? नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के संजीव जी मैं लौटूंगी और तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ। अभिषेक ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये इस वक्त तूतू मैरे में जो दिल्ली की जनता पिस रही है ना सर, उसका ट्रीटमेंट करिए, समस्याओं का समाधान करिए, ना कि एक दूसरे पे पल्ला झाड़ लीजिए। अभिषेक जरा दिखाइए वहां की जनता की समस्या क्या है। बिल्कुल देखिए लक्ष्मी, एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूँ कि जी हिंदुस्तान के खबर का असर हुआ है। जिस तरीके से लगातार हमने कल भी खबर दिखाई और आज भी खबर दिखाई, मनीष जो कि यहाँ के पूर्व प्रत्याशी थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे, कल विधायक भी आए हुए थे, तमाम लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए ये टैंकर यहाँ पर फिर पानी का पहुंचा है। इस वक्त इस टैंकर के आने का कोई समय नहीं है और कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगातार हमने जो खबर दिखाई उससे दबाव बना और टैंकर अब एक्स्ट्रा यहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त टैंकर नहीं आना था, टैंकर आना था अब शाम को। भाई साहब खबर का असर आपको दिख रहा है? जी जी, हिंदुस्तान का जी मीडिया का माध्यम से 3-4 दिन से मेहनत कर करके, नाम आपका क्या है? अभिषेक जी है। इनके माध्यम से हम लोग बहुत ये काफी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के बाद में इस टाइम में हम लोग के पास में टैंकर नहीं आता था, पब्लिक पानी के लेके मारामारी हो रहा था। कल विधायक भी आया था, उसको भी बोला गया था, विधायक के 7 महीना पहले वार्निंग दिया गया था कि यहाँ पानी का, वीरेंद्र सिंह कद्यान को 7 महीना पहले हम लोग बता चुके थे, जबकि हम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किए थे। नहीं नहीं, अभी अभी पानी यहाँ पर टैंकर ये अभी आने का समय नहीं था, है ना? नहीं था। तो जी तस्वीर दिखाते हैं भाई साहब, खबर का असर हुआ है, पानी का टैंकर बड़ा है। खबर का असर तो हुआ है, बहुत अच्छा तरह से खबर का अच्छा हुआ है। लेकिन ये टाइम नहीं है पानी आने के लिए। अभी अब लेबर जो जिसको पानी नहीं होगा उसको भी तो ड्यूटी पर जाना होगा। मतलब टैंकर तो बढ़ गया ना, पानी का टैंकर बढ़ा, पानी बढ़ गया है, लेकिन ये समय नहीं है आने का। ठीक है, आइए आपको लक्ष्मी तस्वीरें दिखा देता है। ये देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए ये पानी का टैंकर दोबारा यहाँ पर आया है और यहाँ पर भीड़ पहले से आपको काफी कम दिखाई देगी। ये भीड़ इसलिए कम है क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त पानी का ये टैंकर यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खबर लगातार दिखाने की वजह से पानी का टैंकर ये यहाँ पर आया है। और लगातार जो मुझे खबर मिल रही है उससे ये है कि यहाँ पर अभी और पानी के टैंकर आते जाएंगे। आइए इन लोगों से पूछ लेते, भाई ये पानी का टैंकर यहाँ पर आज आया है ना एक्स्ट्रा? आज ही आया है सर। लगातार खबर का असर हो रहा है दिखाने पर, बहुत बर्बाद करते हैं टैंकर वाला। खबर का असर हो रहा है, खबर अभी पहली बार आया है, पहली बार आया है ना। तो देखिए लक्ष्मी, ये पहली बार टैंकर एक्स्ट्रा यहाँ पर इस टाइम आया है, वरना सुबह 9 बजे के बाद कोई टैंकर यहाँ पर नहीं आता था, शाम को आता था। तो जी हिंदुस्तान जिस तरीके से खबर दिखा रहा है उस खबर सर आप देखिए मेरे पीछे ही, आप देख लीजिए ये टैंकर यहाँ पर खड़ा है और धीरे धीरे और भी टैंकर आएंगे ऐसा मुझे बताया गया। अभिषेक आपके पीछे की तस्वीरें एक चिंता और बढ़ा रही है, कोरोना काल में ये भीड़ कोई भी कोरोना का प्रोटोकॉल निभाती हुई नजर नहीं आ रही है। संजीव झा भी तस्वीरों को देख रहे होंगे, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या दिल्ली सरकार ऐसे रोकेगी तीसरी लहर को? आखिर इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है? जाहिर है कि वहां पर टैंकर नहीं पहुंचते हैं, एक टैंकर आया, लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीछे तस्वीर बैकग्राउंड रखा अभिषेक। बिल्कुल देखिए ये तो भीड़ बहुत कम है लक्ष्मी, ये तो आपको मतलब गिनती के 8-10 लोग दिखाई दे रहे हैं और टैंकर के ऊपर तो ये लड़का बस शौकियन बैठा हुआ है। लेकिन इससे पहले जो सुबह की तस्वीर आपको मैंने दिखाई है उसमें तो भीड़ इतनी थी कि मारामारी था, लोगों के हाथ में देखिए 1-1, 2-2 बाल्टी है। ये इसलिए है क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि आप इस वक्त ये टैंकर यहाँ पर पहुंचेगा और धीरे धीरे और भी 2-3 टैंकर यहाँ पर आने वाले हैं। यानी कि अगर हम खबर दिखाते हैं, हम सरकार पे दबाव बनाते हैं, चीजें सामने लेकर आते हैं, लोगों का दुख शेयर करते हैं, तो इस तरीके की चीजें सामने आते लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं लगातार कि हिंदुस्तान ने जैसे खबर दिखाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं मेंटेन हो सकती, लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है इस बात की नसीहत भी देते हैं, लेकिन दिल्ली की ही तस्वीर ये कहीं ना कहीं डराती है कि आने वाले दिनों में कोरोना तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में जब ये तस्वीरें तो कहीं ना कहीं कोरोना को और बढ़ावा मिलेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। विक्रम विदुरी साहब, पानी की किल्लत दूर करने के बजाय क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? देखिए अगर आप सभी को ध्यान में होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 700 लीटर पानी देने का हर रोज हर परिवार को देने के वादे के साथ बड़ा महंग मुद्दा था दिल्ली के लोगों के लिए और वास्तव में उन्होंने उसको स्वीकार भी किया कि दिल्ली में पानी की समस्या
कांग्रेस की शीला दीक्षित के 15 साल और केजरीवाल के 6 सालों के बाद भी लगातार बनी हुई है और ये समस्या बड़ी है। उसका कारण है कहीं ना कहीं ये जो बार बार कह रहे हैं 700 लीटर पानी देने का वादा, दामनी फिल्म की तरह केजरीवाल जी हर रोज अपने डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं 700 लीटर पानी देने के वादे की बात करते करते, वो पानी का वादा पूरा कैसे हुआ? पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी, दिल्ली की सरकार से, कि आपने दिल्ली के लोगों को सुविधा देने के लिए कितने यूजर प्लांटों का निर्माण किया, कितने बूस्टरों का निर्माण किया, पाइपलाइन बिछाने की जो बार बार बात कर रहे हैं, पाइपलाइन इनके करप्शन का हिस्सा है। 26,000 करोड़ रुपए जो अभी हाल ही के अंदर जल सामने आया है, और कहीं ना कहीं अभी देखा होगा पिछले वर्ष इन्हीं आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल टैंकर के लोगों से, जो टैंकर लगाते जल बोर्ड के अंदर, उनसे 60 लाख रुपए की महीने की मंथली मांगते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार हुए और कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित होकर के एक व्यक्ति ने आत्महत्या तक की। सरकारी बोरवेल से प्राइवेट टैंकर भर करके तुगलकाबाद विधानसभा का विधायक अपना गोरख धंधा चलाता है। संजीव जी, 10 सेकंड का जवाब, उसके बाद चिंतू शेख जी के पास जा रहे हूं। ये तस्वीरें तो आपको नजर आ रही होंगी सर। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी जी जी, संजीव जी के पास आवाज नहीं जाएगी अब। संजीव जी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। बोलिए संजीव जी, और दिल्ली के आपका जो अभी मैं सुन रहा था, आई डोंट नो कि ये विक्रम विदुरी जी कौन है, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बेसलेस बातें की कि पाइपलाइन बिछाना करप्शन का हिस्सा। मुझे नहीं पता दिल्ली के लोगों को पाइपलाइन नहीं चाहिए, पानी चाहिए। पहली बात, दिल्ली के लोगों को पाइपलाइन नहीं, पाइपलाइन से पानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि हर रोज 700 लीटर पानी देने का जो वादा थे, तो वादा कहाँ है? कहीं ना कहीं आज भी लोग, संजीव झा जी ये देखिए वादे, देख लीजिए जरा, आपको वादे दिखाए जा रहे हैं आशीष सूद की तरफ से। ये देखिए, ये तस्वीर भी ध्यान में रखकर जवाब दीजिए सर। मैं आता हूँ उसी पे आता हूँ। आज आशीष जी को भी, अपने वादे याद दिलाएंगे, पर देखिए जब तक जनता को नहीं पता चलेगा, जब तक जनता को हमें विवाद ध्यान रखना वो पता नहीं चलेगा, तो परेशानी होगी। दिल्ली की पहले पहले बंगलोरियों करा दीजिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। जोर तरबा करके संजीव जी, वो वादा तो आपको याद रखना पड़ेगा, 24 घंटे पानी की सुविधा। क्या ये फ्री के लालच में है? आपने पूरे सिस्टम को चरमरा दिया, व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। चिंटू शेख मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चिंटू जी, मुंबई की तस्वीर भी पूरा देश देख रहा है सर। भारी भरकम बीएमसी के ऊपर आपका ही कब्जा है। पहले तो आप सहयोगी थे, लेकिन इस बार तो आप ही देख रहे हैं, भारी भरकम बजट होता है उसका। लेकिन बावजूद इसके मुंबई की तस्वीर जवाब दे, किसकी है? मुंबई में सबसे पहले तो मैं जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर का उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि उन्होंने जो रिपोर्ट दिखाई पवई से, जो आपने सुशांत और प्रशांत जी मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, इतनी भारी बारिश मुंबई में 4 दिन में हुई है कि जो पवई लेक जुलाई महीने में भर के ओवरफ्लो होती है, वो आज जून 12 तारीख को ओवरफ्लो हुई है। इतनी भारी बारिश के अंदर जो विकास कार्य चल रहा है, मेट्रो का कार्य चल रहा है, ब्रिजेस का कार्य चल रहा है, उसके बावजूद मुंबई भरी नहीं है इतने बारिश के बाद भी। जो महानगर पालिका, जो नगर निगम काम कर रही है, वो काम बहुत अच्छा कर रही है। आपके रिपोर्टर्स को पूछ लीजिए कि मुंबई में इतने बारिश के बाद भी जो वाटर लॉगिंग होता है, क्योंकि मुंबई एक आइलैंड है, मुंबई एक टापू है, एक इलाके के बाद मेरे तमाम इलाके में रिपोर्टर्स हैं, तमाम ऐसी जगहों पर रिपोर्टर्स हैं जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, तो मुझे लगता है कि तारीफों के पुल बांधने के बजाय आपकी निगाहें नीचे हो जाएंगी। घुटने तक पानी में निकलने को मजबूर हो गए लोग। घुटने तक पानी में रिपोर्टर ने एक जगह की तस्वीर दिखाई है सर। रुकिए जरा, ब्रेक के बाद वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, ब्रेक के बाद वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी और उन पर भी आपसे सवाल लूंगी। छोटा सा ब्रेक, लौट रही हूँ जल्द।